जी सर, मैंने इनको बताया कि मैं अपने वादे पे कायम हूँ। भाभी की कॉल आई थी, तुम उनकी अम्मी को कहाँ लेके गए हो? साथ के बारे में पूछ रहा था उससे। कुछ नहीं बताया उसने। मेरे बस में होता तो उसे जिंदा जला देता उस झूठी मकार औरत को। साहब, पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं अपने वादे पे कायम हूं। क्या करूं, आसिम उठ नहीं रहे नींद की गोली के असर की वजह से। मैं अलियान को कॉल करूं? कॉल रिसीव नहीं कर रहा, पता नहीं और क्या क्या देखना रह गया इस घर में। आप लोग परेशान मत हो, आलियान को इस वक्त सिर्फ साथ पे गुस्सा है। मामा को कुछ नहीं करेगा वो। साथ क्यों आया है वापस? काश वो ना आता यहां। आप मेरे सामने भी तो आली को समझा सकते थे। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आली के बगैर एक लम्हा गुजारना भी मेरे लिए अजियत है, और आप और वक्त मांग रहे हैं। अभी इस वक्त तो मैं आपको आली के साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपने घर भी नहीं जाना चाहती नासिर भाई। फिर कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी, किसी भी दारुल मान में छोड़ते मुझे। अभी ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने घर चली जाऊंगी तो अली का मकसद कैसे पूरा होगा? मैं जानता हूँ आप उसकी मोहब्बत की खातिर उसकी तमाम ज्यादतियां सहने को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त प्लीज दुआ करें कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। क्या मतलब? उसने साथ को देख लिया है।